विकासखंड नूरपुर के अंतर्गत फोर लेन निर्माण के तहत जमीन की खरीद फरोख्त में बड़े पैमाने पर सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए नायब तहसीलदार सब रजिस्ट्रार अयूब मोहम्मद द्वारा ऐसे बेनामे पंजीकृत किए गए हैं जिसमें ना तो TCP की परमिशन ली गई तथा 118 की भी अवहेलना उक्त अधिकारी द्वारा की गई। आखिर किसकी मिली भक्त या फिर किसी लालच के चलते उक्त अधिकारी ने ये रजिस्ट्रियां तथा इंतकाल किए, ये जांच का विषय रहेगा। इस सारे मामले की जानकारी जैसे ही मीडिया के कर्मचारियों को लगी तो तुरंत RTI के माध्यम से सारी पोल खोल कर रख दी तथा उक्त अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए रेवेन्यू मंत्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो तथा DC कांगड़ा के साथ स्थानीय SDM को भी पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग रखी गई। उधर जब नूरपुर के SDM से इस बारे में सारे मामले में संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें शिकायत मिली है तथा इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने जांच लगभग पूरी कर ली है तथा जल्द ही सारी रिपोर्ट DC कांगड़ा को सौंप दी जाएगी तथा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह उक्त अधिकारी के खिलाफ अमल में लाई जाएगी तथा किसी को भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मीडिया ने उक्त अधिकारी नायब तहसीलदार अयूब मोहम्मद से बात करने की कोशिश की तो उक्त अधिकारी मीडिया के प्रश्नों से बचकर गाड़ी लेकर भाग खड़ा हुआ। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या विभाग आनन फानन में उक्त अधिकारी का तबादला करता है या फिर अधिकारी को निलंबित कर जाँच आगे बढ़ाई जाएगी। खैर, ये तो देखने वाली दिलचस्प बात होगी। इसमें यह भी होगी कि क्या विभाग व जांच एजेंसियां ऐसे अधिकारियों की आय तथा संपत्ति की भी जांच करती है या फिर सिर्फ तबादला करके ऐसे अधिकारियों को साफ तौर पर बचाया जाएगा। हिमाचल प्लस उसके लिए जसूर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक अधिकारी की जो उसकी हमने कंप्लेंट की थी लगभग 2 महीने पहले, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई जो है वो की गई? क्योंकि जो एक कंप्लेंट आई थी एक पर्टिकुलर जो रजिस्ट्री के लेकर, उसके ऊपर हमने ग्राउंड लेवल से इंक्वायरी करवा ली है। क्योंकि अभी हमारा इलेक्शन का टाइम था तो मैंने वो इंक्वायरी देखी नहीं थी, तो अब वो इंक्वायरी विद इन अ वीक हम उसको करके जो DC ऑफिस से आई है उसको हम भेज देंगे। उस इंक्वायरी के अंदर मेन दो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर ये इंक्वायरी है, वो है कि एक तो 118 की अगर कोई वायलेशन है और दूसरा TCP की NOC, तो वो दोनों पॉइंट्स पे ही पूरी इंक्वायरी हो गई है और उसको हम आगे जल्दी से जल्दी एक वीक के अंदर में इंक्वायरी करके अपनी तरफ से इसको भेज दूंगा। सर, इसके अलावा भी 6 और जो कंप्लेंट हाँ, जो 6 और कंप्लेंट्स आई हैं रिगार्डिंग, एक हमें कंप्लेंट रिसीव हुई है बेनामी ट्रांजैक्शंस की जो कि DC ऑफिस से आई है हमें, उसके लिए हमने रेवेन्यू नीचे स्टाफ को बोला है कि वो उनकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें सबमिट करें, तो विद इन अ वीक वो हमें सबमिट करेंगे, तो विद इन 2 वीक्स हम उसकी भी इंक्वायरी करेंगे और अगर कुछ भी पाया जाएगा तो एज पर द लॉ हम एक्शन लेंगे। सर, ऐसे अधिकारी की क्या आपकी तरफ से जो आपने जिस तरह से कहा कि DC साहब से आपको आया हुआ है, तो आपने यहाँ से पूरी जो जांच पड़ताल है वो यहाँ से आपके पास पहुँच गई है सारी? हाँ, जो एक जो केस है उसकी पूरी इंक्वायरी जो रिपोर्ट है वो नीचे से आ गई है और बाकी की अभी रिपोर्ट आई नहीं है, तो जो एक की रिपोर्ट आ गई है वो हम विद इन अ वीक इंक्वायरी करके आगे भेजेंगे। पहले तो आपको नमस्कार, और जिस तरह से कि मैं नूरपुर में मीडिया के लिए काम करता हूं और मेरे प्रेस के जो सभी साथी बंधु हैं वो यहां पर आए थे इस मामले को लेकर, मैं मामले की थोड़ी सी जानकारी जो है वो मैं आपको दे दूं कि यहां पर जो नूरपुर में कार्यरत हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार आयु मोहम्मद जी, उनके द्वारा 4 लेन के संबंधित कुछ एक ऐसी बेनामी रजिस्ट्रियां जो है वो उन्होंने की हैं, जिन रजिस्ट्रियों की हमने जब RTI मांगी तो RTI के द्वारा जो है वो मैं आपको दिखा दूं हमें यहां पर जवाब मिला है, और इसमें से 2 जो फैक्टर हैं वो साफ साफ पाए गए हैं। एक तो इसमें TCP की अवहेलना की गई है जिसमें कि 100 मीटर के दायरे के अंदर की बात करें, जिस तरह से कि कानून है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर की जो जमीन है उसकी अगर खरीदो फरोख्त किसी की जाती है तो उसके लिए TCP की परमिशन अवश्य लगाई जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमने RTI ली है इसमें कहीं पर भी जो है वो TCP की परमिशन जो है इसमें नहीं ली गई है, और उक्त अधिकारी के द्वारा इस रजिस्ट्री को किया गया है। इसके साथ 118 की जो धारा है उसकी भी शरेआम अवहेलना जो है वो उक्त अधिकारी के द्वारा की गई है। हमने इसकी कंप्लेंट जो है लगभग 2 महीने पहले हमारे जो स्थानीय SDM है उनको भी की थी, हमने इसके अलावा हमने DC को भी लेटर लिखा था, हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को भी लेटर लिखा था, हमने इंटेलिजेंसी ब्यूरो को भी जो है वो इसका
लेटर हमने यहाँ पर लिखा था, लेकिन 2 महीनों में उक्त अधिकारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या कुछ बड़े अधिकारियों की भी संलिप्तता इसमें पाई जाती है? ये सब जांच के बाद ही जो है वो पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है। रमन जी, आपकी यहाँ SDM से बात हुई है क्या? जी हाँ, हमने अभी अभी यहाँ पर SDM साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इंक्वायरी इनकी जो है वो कर रहे हैं, DC साहब से लेटर इनको आया हुआ है। SDM साहब ने जो हमें वाइट दी है उसमें साफ उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो कार्रवाई मेरे द्वारा सारी कर ली गई है, और उन्होंने कहा कि विदिन 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो सारी जांच जो है वो यहाँ से DC साहब को सौंप दी जाएगी। रमन जी, नायब तहसीलदार से आपकी बात हुई है इस मामले पे? देखिए, नायब तहसीलदार के पास जब हम पहुंचे वहां पर उनके पास, तो वो वहां से भागते हुए नजर आए। मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने देना उचित नहीं समझा। हालांकि मीडिया के जो कर्मचारी हैं वो लगातार उनके पीछे पीछे जो है वो ग्राउंड तक आए हैं, लेकिन उक्त अधिकारी नायब तहसीलदार जो है वो यहाँ पर गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागते हुए नजर आए। मीडिया के सवालों से वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने किसी भी तरह की जो है वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, और वो अभी अभी यहाँ से जो वो चले गए हैं। सर आपसे बात करने की कुछ? देखिए, जब नायब तहसीलदार याकूब खान जी से हमने पूछना चाहा तो वो भागते हुए नजर आए। उक्त अधिकारी से जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो किसी भी प्रश्न का जवाब ना देते हुए वो यहाँ से तुरंत वो गाड़ी लेकर निकलते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मीडिया के किसी भी कर्मचारी का या किसी भी तरह के किसी पत्रकार के सवालों का जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा। हालांकि काफ़ी देर से जो है वो यहाँ पर उनकी जो है वो मीडिया वाले उनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहे। आप देख रहे हैं कि वो लगातार यहाँ से किसी भी प्रश्न का जवाब दिए बिना गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकले हैं।